यूपी के बलिया में गुरु शिष्या का रिश्ता शर्मसार होने का एक मामला सामने आया। दसवीं कक्षा में अच्छा नंबर दिलाने के नाम पर ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा को अपने ही घर में गुरु ने जबरदस्ती कर हवस का शिकार बनाया। साथ ही किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपी शिक्षक अभी फरार है, जिसे पुलिस शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हिंदी की एक प्रसिद्ध कवि ने गुरु की महत्ता के बारे में बताया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अर्थात हमारे समाज में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन बलिया के रेती थाना क्षेत्र के एक गांव का यह मामला जहां कहीं ना कहीं गुरु की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। पुलिस की माने तो ये घटना 10 जनवरी 2018 की है, जबकि पीड़ित लड़की हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी के लिए ट्यूशन पढ़ने आरोपी गुरु के पास गई थी, जहां गुरु ने बुरी नीयत से नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया और हाई स्कूल में अच्छे नंबर दिलाने और किसी से बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित लड़की गुरु की धमकियों से डरी सहमी रही, पर अंततः यह राज उसने अपने परिवारजनों को बताया, जिसके बाद परिवारजनों के होश उड़ गए और डरे सहमे पुलिस से न्याय की गुहार करने गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जिला महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए महिला पुलिस के साथ जाती पीड़ित छात्रा है, जो पुलिस अभिरक्षा में अपने माँ और पिता के साथ चल रही है। पीड़ित छात्रा के परिजन से मीडिया ने जब घटना के बारे में सवाल किए तो उन्होंने सिर्फ कैमरे के सामने यही कहा कि आप पुलिस से पूछिए। दरअसल पीड़ित और उसके परिजन धमकी से इतना डरे सहमे हैं कि वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। लिखा है कहाँ रिपोर्ट लिखा है? थाना में दर्ज है। कहाँ पे? रेती थाना में जाकर पूछिए ना सर। अरे होती क्या है नहीं है वो भी बताएंगे। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो हम आए बलिया। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर आया है कुछ भी काम करने इलाज के लिए। अभी आप तो हॉस्पिटल में है। अभी आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? हमारा तो नाम ये जो लड़की आई है जो पीड़ित है उसका उसका साथ आपका क्या रिश्ता है? परिवार में क्या लगते हैं? पिता है। आप पिता है? ये थाना रेवती क्षेत्र में श्रीनगर का गांव का मामला है। एक नाबालिग युवती जिसकी उम्र करीब 15 साल है, उसके साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है, जिसके क्रम में थाना रेवती में अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें जो है उसके विरुद्ध जो है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना उसकी कल प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसकी गहनता से